फ्रेंड्स, किचन शेफ एनीबडी कैन कुक में आप सबका स्वागत है। दुर्गा पूजा नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं सबको। आप लोगों हम लोगों का चैनल पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, थैंक यू उसके लिए। हम लोग नए नए रेसिपी के साथ कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के पास आने के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी का सजेशन भी देते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया रेसिपी। हरा भरा वेज, ये एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी वेज रेसिपी है जो आसानी से घर में बन जाती है। बहुत ही मिनिमम इंग्रेडिएंट्स इसके लिए चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात, ये बिना प्याज रसन का वेज रेसिपी है, तो आराम से आप कोई भी व्रत या फास्टिंग टाइम में इसको फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इस नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली में इसको जरूर अपने किचन में ट्राई कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है और पराठे रोटी के साथ रात में डिनर में या लंच में भी इसको लिया जा सकता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को लेना है 200 ग्राम्स पनीर, जिसको लंबा लंबा पतले टुकड़ों में काटी गई है। इसका लेंथ लगभग 1 इंच रखा गया है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही इसको काट लेना है। अब एक कढ़ाई में लगभग 5 चम्मच वेजिटेबल ऑयल लीजिए, उसको गरम करने के लिए चढ़ा दीजिए। इसी तेल में हम लोगों को वो जो पनीर काटी गई थी लंबा लंबा, उसको डालना है और उसको फ्राई करना है। अगर आपको फ्राइड पनीर पसंद ना हो तो आप इसको कच्चा भी डाल सकते हो। देखिए, पनीर जो है वो हल्का फ्राई करना है, यानी कि वो हल्का रेडिश या गोल्डन ब्राउन कलर तक ही फ्राई करना है। पनीर फ्राई होके पूरा तैयार है। अब इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। पनीर फ्राई हो जाने के बाद हम लोग बाकी सब्जियों का तैयारी करते हैं। उसी तेल में हम लोग लगभग 2 चम्मच सफेद जीरा डाल देंगे। अब इस जीरा को हल्का सा फ्राई होने देंगे लगभग 30 सेकेंड तक। देखिए, जीरा फ्राई हो गई है। अब इसमें हम लोग बाकी सब्जियों को ऐड करेंगे। पहले हम लोग अदरक, जो लंबी टुकड़ों में काटी गई है, लगभग 1 इंच इसका साइज है, ये हम लोग आधा कप लिए हैं, इसको हम लोग डाल देंगे। इसके बाद हरी मिर्ची, जिसको भी लंबी लंबी टुकड़ों में काटी गई है, उसको भी हम लोग यहाँ डाल दिए। अब ये दोनों को अच्छे से तेल से मिला के फ्राई करना है लगभग लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जो अदरक का कच्चा स्मेल है वो चला जाए और अदरक भी हल्का फ्राई हो जाए। देखिए दोस्तों, अदरक पूरी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें टोमेटो, जो लंबी लंबी टुकड़ों में काटी गई है, उसको हम लोग इसमें डाल दिए। ये लगभग 3 टोमेटो हम लोग यहाँ लिए है। इसको अच्छे से मिला लीजिए और हल्की आंच में लगभग 5 मिनट इसको फ्राई कर लीजिए, ताकि ये टोमेटो का कच्चापन चला जाए। देखिए दोस्तों, टोमेटो पूरा फ्राई हो गया है। अब इस पे स्वाद अनुसार नमक डालना है। अभी हल्दी 1 चम्मच इसमें डालेंगे। अब इसमें गरम मसाला पाउडर लगभग 3 चम्मच हम लोगों को डालना है। अब सारे मसाले को अच्छे से इससे मिला के फ्राई करना है लगभग 5 मिनट हल्की आंच में। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। देखिए, अच्छा रंग आया है, टोमेटो का कच्चापन भी दूर हो गया है। अब इसमें हम लोग बाकी सब्जियां डालेंगे। पहले गाजर, जो लंबी टुकड़ों में काटी गई है, लगभग 1 इंच इसका साइज है, पतला पतला करके काट लीजिएगा इसको। लगभग 1 कप हम लोग इसमें डाले हैं। इसको भी अच्छे से मसाले के साथ लगभग 5 मिनट फ्राई करना है। गाजर फ्राई हो गया है, गाजर मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो गया है, अच्छा कलर भी आया है और तेल भी साइड से निकल रहा है। अब इसमें हम लोग टोमेटो केचप लगभग 4 चम्मच डाल देंगे। टोमेटो केचप डालने के बाद इसमें मेन इंग्रेडिएंट, यानी कि कैप्सिकम,
शिमला मिर्ची डाल दी हैं। पहले हरी वाली शिमला मिर्ची यानी कि ग्रीन कैप्सिकम लंबी टुकड़ों में काट के पतला पतला करके इसको हम लोग इसमें डाल दिए, लगभग 1 कप। इसी तरह से लाल कैप्सिकम यानी कि रेड बेल पेपर, वो भी पतला पतला लंबा काट के 1 कप इसमें डाल दिए। अभी येलो कैप्सिकम यानी कि येलो बेल पेपर, वो भी पतला पतला लंबा टुकड़ों में काट के लगभग 1 कप हम लोग इसमें डाल दिए। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना है और इसको हल्का अब पकने देना है। कैप्सिकम पकने में टाइम नहीं लगता है, पर इस सब्जी के लिए हल्का क्रंची अच्छा लगेगा, यानी कि थोड़ा कच्चापन, तो इसीलिए हम लोग 5 मिनट इसको ढक के पका लिए। देखिए सब्जी अब पक चुकी है, पर बहुत ज्यादा गली नहीं है तो हल्का कच्चापन है। अब इस पे हम लोग जो फ्राइड पनीर है वो मिला देंगे। अगर ये पनीर आप लोगों को फ्राइड नहीं पसंद हो तो आप लोग कच्चा पनीर भी बिल्कुल इसी तरह लंबा लंबा पतले टुकड़ों में काट के इसमें डाल सकते हो। अब इसमें हम लोग लगभग 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल दिए। अगर आपके पास नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। हरी धनिया लगभग 1 कप छोटी टुकड़ों में काट के हम लोग इसमें डाल दिए। थोड़ा बहुत तीखापन डालने के लिए इसमें हम लोग 2-4 और हरी मिर्चें ऐड कर दिए। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला के लगभग 2-4 मिनट हल्की आंच पे हम लोगों को इसको फ्राई करना है, ताकि सारे मसाले और सब्जियां आपस में घुल मिल जाए और पूरा टेस्टी बन जाए। देखिए ये हरा भरा वेज हम लोगों का पूरा तैयार है। अब ये हम लोग आराम से सर्व कर सकते हैं, तो इसको पहले हम लोग सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। एक सर्विंग बाउल में ये सब्जी परोस लेते हैं और ये सब्जी गरम गरम पराठे या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है, तो जरूर अपने किचन में ट्राई कीजिए और गरम गरम पराठे या रोटी के साथ इसको एंजॉय कीजिए। देखिए दोस्तों ये सब्जी देखने में जितना अच्छा लग रहा है उससे भी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो जरूर अपने किचन में ट्राई कीजिए। और अगर हम लोगों का ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग हम लोगों का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, ताकि आगे भी नए नए रेसिपी आप लोग देख सके। थैंक यू दोस्तों।